हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पालक पनीर बनाएंगे। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को गरम करेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 चम्मच कटा हुआ अदरक और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालकर चला लेंगे। अब इसमें 2 कटे हुए प्याज डालेंगे। सारी सब्जियों को रफली ही चॉप करेंगे क्योंकि लास्ट में हमें इसे ग्राइंड करना है। अब इसमें 2 से 3 कटे हुए टमाटर डालेंगे और मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 स्वाद अनुसार नमक डालकर मिला लेंगे। अब इसमें पालक डालेंगे। हमने इसे पहले ही पानी से साफ कर लिया था। अब इसे मैश करते हुए इसे मिला लेंगे। अब इसमें करीब 1/2 कप पानी डालेंगे। अब इसे ढक देंगे और 10 मिनट तक पकने देंगे, लेकिन अब इसे 5 मिनट के बाद खोलकर चला लेंगे और फिर से ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। पांच मिनट हो गई है, अब इसे खोलकर चला लेंगे। और हल्का सा मैश कर लेंगे। अब इसे दोबारा से ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गई है, अब इसे खोल लेंगे। पालक अच्छे से पक गए हैं, अब गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब उसी कढ़ाई को दोबारा गरम करेंगे। अब इसमें पेस्ट को डाल देंगे। हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ग्राइंड करने से पहले हम इसमें ऑलरेडी पानी डाल चुके हैं।
लेकिन अगर आपको ये थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। दो मिनट हो गए हैं और उबाल भी आ गया है। देखिए पतला लग रहा है, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे जिससे थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब इसमें 1/2 कप दही डालकर मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, 250 ग्राम कटे हुए पनीर डालकर मिला लेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए उबलने देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। ये बन गया है, अब गैस बंद कर देंगे। पालक पनीर बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे रोटी या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।